आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं अंशिका सिंह, आपकी अकाउंट्स टीचर। वेलकम करती हूं आप सभी को हमारे चैनल विद्यार्थी प्रो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। ये है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर का, जो कि है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब होता है कि जब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को फिर से रीवैल्यू किया जाता है, क्योंकि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आते हैं तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की रियलाइजेबल वैल्यू बोले या उसकी जो एक्चुअल वैल्यू बोले उसमें भी चेंजेस आते ही आते हैं। कुछ टाइम के साथ, जो पैसेज ऑफ टाइम के साथ कुछ एसेट्स होते हैं जो अप्रिशिएट होते हैं, तो कुछ एसेट जो होते हैं वो डेप्रिशिएट होते हैं। कुछ लाइबिलिटीज जो है हट जाती हैं, तो कुछ लाइबिलिटीज इंक्रीज भी हो जाती हैं। कुछ ऐसे एसेट्स भी होते हैं जो अनरिकॉर्डेड रह जाते हैं, और कुछ ऐसी भी लाइबिलिटीज होती हैं जो अनरिकॉर्डेड रह जाती हैं। तो इन सब का ट्रीटमेंट करने के लिए एक अकाउंट बनता है, जिस अकाउंट को हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। इसका दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी है, और ये नॉमिनल अकाउंटिंग नेचर होता है, यानी कि अगर लॉसेस होंगे तो डेबिट होगा, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट होगा। तो अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट के प्रोफॉर्मा की बात करें तो ये अकाउंट की तरह ही बनेगा, जहाँ पे एक साइड डेबिट होगा, दूसरा साइड क्रेडिट होगा। पर्टिकुलर अमाउंट सबने पढ़ा होगा। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, घटेगी, तो ये डेबिट होगा, और अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में उसको क्रेडिट किया जाएगा। सिमिलरली अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी तो वो डेबिट में होगा, लाइबिलिटीज की वैल्यू घटेगी तो वो क्रेडिट में जाएगा। किसी भी तरीके की अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज होंगी तो उसको डेबिट करेंगे, और किसी भी तरीके का अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। अगर ये साइड क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा आएगा तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आएगा, जो कि पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा होगा तो लॉस आएगा रिवैल्यूएशन का, जिसको फिर से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दिया जाएगा। अगर एसेट्स में और लाइबिलिटीज में आपको किसी भी तरीके का दिक्कत आ रहा है तो एक बात याद रखिएगा कि अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा, और अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी तो वो डेबिट होगा। अगर एसेट्स की वैल्यू घटेगी तो वो डेबिट में जाएगा, और अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू घटेगी तो वो क्रेडिट में जाएगा। क्योंकि एसेट्स जो है वो हमारी एक तरीके की इनकम होती है, तो अगर वो बढ़ेगा तो वो एक तरीके का हमारी इनकम है, जिसकी वजह से वो क्रेडिट में जाएगा। लेकिन लाइबिलिटी बढ़ रही है भैया, उधार बढ़ रहा है, एक समय पे इतना बोझा है, इतना लोन लेके आदमी नहीं चल सकता है। तो अगर लाइबिलिटी बढ़े हमारी तो वो तो डेबिट में ही जाएगा, क्योंकि हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं। अगर एसेट्स घट रहे हैं तो वो हमारे लिए लॉस है, इसीलिए वो क्रेडिट में जाता, डेबिट में जाता है, सॉरी। और अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू घटेगी तो भाई हमारे लिए बल्ले बल्ले बात है, हमारी लाइबिलिटीज हमें छुटकारा मिल रहा है, तो इसीलिए उसे हम लोग क्रेडिट में दिखाते हैं। तो ये पूरा कंसेप्ट था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का। अब आगे फर्दर वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है, और रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर की थ्योरी क्या होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू गाइज लाइक इट। और जाते जाते चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू।